तो दोस्तों, एक अच्छे गैलरी तो सभी को चाहिए, क्योंकि गैलरी का तो हम सभी यूज़ करते हैं। और एक अच्छे गैलरी इसलिए चाहिए क्योंकि हम स्क्रीन रीडर के हेल्प से यूज़ करते हैं। और स्क्रीन रीडर में अगर वो गैलरी एक्सेसिबल नहीं होगा, अगर वो हमें गैलरी प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी के लिए, और ये अधिकतर केवल कुछ कुछ डिवाइसेस में ही ऐसा होता है, जैसे कि ओप्पो, वीवो या फिर पुराने और कुछ कुछ ऐसे डिवाइसेस थे, कुछ कुछ मॉडल्स के ऐसे डिवाइसेस थे जिनका गैलरी बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं था, और वो अभी अपने फ़ोन को बिल्कुल भी अपनी गैलरी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अभी प्ले स्टोर पर कई सारे गैलरी एप्लीकेशंस तो अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से कोई सा भी अच्छा और एक्सेसिबल नहीं है। बस उन्हीं में से एक है जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सेसिबल है, 100% कह सकते हैं, 199.9% ये एप्लीकेशन एक्सेसिबल है। काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी अच्छी डिटेल ये हमें प्रोवाइड करता है ये एप्लीकेशन। तो चलिए, अभी बिल्कुल छोटा सा ही वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है और ये बिल्कुल सिक्योर भी है। अगर आप इसे डाउनलोड भी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ये बिल्कुल सिक्योर और काफ़ी अच्छा गैलरी एप्लीकेशन है। तो अगर आपके फ़ोन में भी गैलरी एक्सेसिबल नहीं है तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल साइज़ में छोटा सा भी है, बिल्कुल 3 से 4 MB का ही मात्र ये एप्लीकेशन है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है। तो गूगल की ओर से आने वाला ये एप्लीकेशन है, गूगल की ओर से आने वाला जान ही चुके होंगे, जैसे गूगल का खुद का फ़ोन है, मैसेजेस है, कॉन्टैक्ट्स है, उसी तरह से गूगल का खुद का गैलरी भी है। स्टॉक एंड्रॉयड डिवाइसेस तो शायद जानते होंगे इसके बारे में। तो बस अभी चलिए ओपन करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है, देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। साथ ही इस एप्लीकेशन में, इस गैलरी एप्लीकेशन में हमें कोई भी ऐड भी देखने के लिए नहीं मिलता, चाहे हम इस एप्लीकेशन को डेटा ऑन करके यूज़ करें या फिर डेटा बंद करके यूज़ करें, इस एप्लीकेशन में एक भी ऐड कहीं पर भी हमें नहीं मिलने वाला, और कभी भी हमें अभी तक इस एप्लीकेशन में ऐड नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, अभी चलिए ओपन कर लेते हैं हम अपना गूगल गैलरी एप्लीकेशन। यहाँ पर गूगल नहीं आया, केवल एप्लीकेशन का नाम है गैलरी, App screen, page 404. गैलरी गैलरी के नाम से ही हमारे फ़ोन में आएगा, सिंपल जैसे हम ओपन करेंगे गैलरी ऐप आइकन। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें केवल एक परमिशन दे देना है, अलाउ कर देना है। और ये कई सारे गैलरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जो कि बेकार के परमिशन लेते हैं, कॉल के परमिशन लेते हैं केवल, जबकि उन्हें चाहिए होता है स्टोरेज का परमिशन, स्टोरेज एक्सेस केवल उन्हें चाहिए होता है, और वो परमिशंस कई सारे ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं, केवल एक ही परमिशन आपको यहाँ पर देना होगा जो कि होगा स्टोरेज के रिगार्ड, और यहाँ पर उसके बाद आपको सिंपल कंटिन्यू पे टैप कर देना है। ये बिल्कुल सिंपल सेटअप है जैसे हम गूगल फाइल्स में करते हैं। इसके अलावा अभी आगे देखते हैं, सबसे पहले ऐप आइकन मतलब गैलरी का एक लोगो, गैलरी गो, लिंक्स, स्पीच रेट, मोर ऑप्शंस बटन, मोर ऑप्शंस बटन, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। पॉपअप विंडो, सेलेक्ट आइटम्स, सेटिंग्स, मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर उतना कुछ नहीं है। बिन, यहाँ पर इसके उसे रिसाइकल बिन हमें मिला हुआ है। फेवरेट्स, 111, फेवरेट्स इतना ही है। काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन, नॉर्मल गैलरी से भी थोड़ा ठीक है। चलते हैं बैक आते हैं, स्क्रीन शॉट्स, वीडियोज, यहाँ पर ऊपर की ओर केवल यही दो ऑप्शन दिए गए। सेप्टेम्बर है, यहाँ पर ये पूरा अनाउंस कर दिया, ये फोटो कब का है फिर से सुनते हैं। ओके, ये 28 सितंबर को 10:11:48 पर फोटो लिया गया है। तो अभी ये इसका तो डिटेल हो गया, अभी हम अगर फोल्डर्स देखना चाहें, अभी हम फोटो के अंदर भी जाकर उसके भी सारे ऑप्शंस को देखेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ फोल्डर को देखना चाहें, होम बटन के थोड़ा ऊपर टच करेंगे, होम बटन के जैसे थोड़ा ऊपर में टच किए मिला सेलेक्टेड फोटोज, राइट स्वाइप करेंगे मिलेगा फोल्डर्स, बैक बटन के थोड़ा ऊपर अगर हम देखें तो फोल्डर्स टैप कर देंगे। अभी यहाँ पर आ चुका है फोल्डर्स, यहाँ पर हमें और भी काफ़ी अच्छा डिटेल मिलता है। यहाँ पर एक बिन, यहाँ से आप बिन में जा सकते हैं, फोल्डर सॉर्ट ऑर्डर रीसेंट, यहाँ से सॉर्टिंग चेंज कर सकते हैं। कैमरा वन आइटम 2.8 MB, यहाँ पर मात्र ये 2.8 MB का है यहाँ पर, क्योंकि एक ही आइटम है और वो भी 2.8 MB का है, मतलब ये कि मैं 2.8 MB बहुत है। तो ये इसका साइज भी बता दिया कितना है उस फोल्डर का साइज, फोल्डर इज ऑन एसडी कार्ड, कैमरा 1604 आइटम्स, 1.14 GB कैमरा, यहाँ पर फोल्डर इज ऑन एसडी कार्ड, उसके बाद उसके अंदर कितना आइटम है, उसके बाद उसका साइज, सब चीज यहाँ पर अनाउंस कर दिया। स्क्रीनशॉट्स 20 आइटम्स 9.8 MB, स्क्रीनशॉट्स 20 आइटम 9.8 MB,
तो चलिए अभी हम यहाँ पर इसी तरह से कई सारे फोल्डर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। One video show, 7 items, 310 megabytes. One video show, 10 items, 310 MB. सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ पर हमें इसी तरह से एक लाइन में और काफी अच्छे डिटेल के साथ मिल जाते हैं। ओपन करते हैं एक फोल्डर को, फोल्डर सॉर्ट, कैमरा, कैमरा ओपन कर लेते हैं। नो नेक्स्ट लिंक, शोइंग आइटम्स, नो नेक्स्ट, सितंबर, सितंबर है। फोटो टेकन ऑन सितंबर 27th, उसके बाद ये फोटो कब लिया गया वो यहाँ पर एक फोटो है। 316, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। बैक आते हैं वापस से, अगर हम फोटो में जाना चाहें होम बटन के थ्रो पर वापस से टच करके फोल्डर सेलेक्टेड है, फोटोज लेफ्ट साइड करके फोटोज को चूज कर लेंगे। फोटोज यहाँ पर कहीं पर भी हमें कोई सा भी अनलेबल्ड बटन देखने के लिए नहीं मिला। अभी हम इमेज के अंदर देखते हैं, मोर ऑप्शन, स्क्रीनशॉट, वीडियोस, स्क्रीनशॉट वीडियोस, फोटो टेकन, ये एक फोटो को ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन के सिंपल सेंटर में टच करेंगे, फोटो टेकन ऑन सितंबर 28th 2000, ये उसका वापस से फोटो का नाम बोला। बिल्कुल सेंटर में टच करने के बाद राइट स्वाइप, बैक बटन, बैक कर सकते हैं, फेवरेट बटन, फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, जो कि हमें बैक ऊपर की और मोर ऑप्शंस के अंदर फेवरेट्स का भी एक ऑप्शन मिला था। मोर ऑप्शंस बटन, मोर ऑप्शंस है, ओपन कर लेते हैं। पॉपअप विंडो, इन्फो, इन्फो इसका मतलब है डिटेल्स, कब लिया गया, कहाँ से लिया गया, कब आया, क्या है इसका, जो भी इसका सारा आता पता मिल जाएगा आपको इन्फो के अंदर, मतलब की डिटेल्स। एडिट इन, मतलब कि अगर आपके पास कोई दूसरा एडिटर है तो आप वहाँ से उसे एडिट कर सकते हैं। Use as वॉलपेपर, प्रोफाइल पिक्चर, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, या फिर जहाँ पर भी हम इसे शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूज एज में वहाँ पर हम इसे सेंड कर सकते हैं। 420, 424, शेयर है, मोर, शेयर, मोर ऑप्शंस के बाद आता है शेयर, शेयर पे क्लिक करके सबको पता है हम क्या कर सकते हैं, शेयर बटन पे क्लिक करके। ऑटो, ऑटो यहाँ पर ये थोड़ा सा टोनिंग चेंज करने के लिए। एडिट, एडिट है, ऑटो और एडिट ने हमारे काम के तो नहीं है लेकिन फिर भी हम एडिट के अंदर चलते हैं और देख लेते हैं कुछ ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है कैंसिल बटन, सेव कॉपी, ओरिजिनल, ऑटो, वेस्ट, यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर हमें दिए गए हैं इफेक्ट्स। होम बटन के थोड़ा ऊपर टच करें तो रोटेट है crop और क्रॉप है crop. यहाँ से हम क्रॉप और रोटेट कर सकते हैं अपने इमेज को। ये गूगल गो का ही एडिटर है यहाँ पर। चलिए कैंसिल कर लेते हैं, एडिट पे थे। बिन, यहाँ पर हम इसे डिलीट कर सकते हैं, बिन पे टाइप कर देंगे। 30 दिन के बाद ये परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए क्योंकि ये गूगल का एप्लीकेशन है, गूगल गैलरी जो एप्लीकेशन, ये गूगल का ही एप्लीकेशन है तो यहाँ पर तो हमें बिन जरूर मिलेगा। 30 दिन के बाद यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो मैनुअली भी हम डिलीट कर सकते हैं, अभी हम उसे भी देख लेंगे। कैंसिल, मूव, मूव पे टाइप कर देंगे। ओके, यहाँ पर इसके बाद जैसे हमारा ये हुआ खत्म हुआ, हमारे यहाँ पर एक जो वीडियो था वो ऑटो प्ले खुद से हो गया। देखते हैं स्क्रीनशॉट, वीडियोस, सितंबर, ये एक वीडियो है, ओपन कर लेंगे और ये ऑटो प्ले भी हो जा रहा है वीडियो। जैसे हम वीडियो पे टैप करेंगे या जैसे हम स्वाइप करते हुए अगर आगे भी बढ़ते हैं तो ये वीडियोस ऑटो प्ले हो जाएंगे। अगर हम टू फिंगर से स्वाइप करेंगे तो अगला वीडियो प्ले होगा या अगला फोटो होगा तो फोटो आ जाएगा। मोर ऑप्शंस बटन, बिन में चलते हैं, बिन, बिन में गए, गैलरी, बैक, बिन, बिन, रिस्टोर, रिस्टोर कर सकते हैं यहाँ से। एम्प्टी, मोर ऑप्शंस बटन, एम्प्टी, मोर ऑप्शंस बटन, मोर ऑप्शंस के अंदर देख लेते हैं। पॉपअप विंडो, सेलेक्ट आइटम्स, सेलेक्ट आइटम, 619, सेलेक्ट, बस एक ही ऑप्शन है। गैलरी, आइटम्स इन द बिन विल बी रिमूव्ड आफ्टर 30 डेज, लर्न मोर, 30 दिन के बाद यहाँ से रिमूव, ये यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे जितने भी आइटम्स होंगे। फोटो टेकन ऑन सितंबर 28th 2021 10 आवर्स 11 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स एएम, यहाँ पे ये एक फोटो है, 630 फोटो, सिंपल इस पे लॉन्ग प्रेस कर लेंगे, 6 कैंसिल बटन, कैंसिल है, 1 रिस्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सिंपल डिलीट पे क्लिक करेंगे। यू कैन अंडू दिस, यू कांट अंडू दिस, मतलब हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, बैक नहीं कर सकते। कैंसिल बटन, डिलीट बटन, डिलीट बटन, गैलरी, बैक बटन, ये यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो चुका है हमारे फोन से, हमारे गैलरी एप्लीकेशन से भी ये परमानेंटली डिलीट हो चुका है। यहाँ पर जैसे हम गूगल फाइल्स में हमें कोई भी गूगल अकाउंट नहीं देना पड़ता, वैसे ही यहाँ पर भी हमें कोई सा भी गूगल अकाउंट नहीं देना पड़ता। काफ़ी एक्सेसिबल यहाँ ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर हमें कोई सा भी अनलेबल्ड बटन या फिर केवल सिंगल बटन देखने के लिए नहीं मिला, यहाँ पर सारे के सारे बटन्स हमें लेबल्ड ही मिले। काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर हमें फीचर्स भी इसके अंदर दिए गए हैं, सबका साइज़ देख सकते हैं। फोल्डर का साइज़ जनरली किसी भी गैलरी के अंदर हमें इसलिए पता नहीं चलता, हमें ये फाइल मैनेजर देखना पड़ता है और ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहले होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए चैनल के अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं।